हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम बैक अगेन फॉर द बुक रिव्यू ऑफ मैथमेटिकल माइंडसेट। और हम इस बुक के चैप्टर नंबर 5 को आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5, जैसा कि इंडेक्स में हम देख सकते हैं, रिच मैथमेटिकल टास्क। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं रिच मैथमेटिकल टास्क के बारे में। मैथमेटिकल टास्क से यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि वो एक्टिविटीज़ जो टीचर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर अपनी क्लास में करते हैं, उन्हीं टास्क को हम मैथमेटिकल टास्क कहेंगे। और यहाँ पे देखते हैं ऑथर क्या बताना चाहते हैं मैथमेटिकल टास्क के बारे में। मैंने इसमें जो पढ़ा, इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले, दे कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन हैप्पी इंस्पायर्ड स्टूडेंट एंड disengaged, unmotivated students. So, जो mathematical task हैं, they play such an important role that they can make a difference between. ये एक बच्चे को बहुत एक happy and inspired child भी बना सकते हैं और at the same time unmotivated. मतलब कि किस तरह का task बच्चे को दिया जाता है, इस पे based है whether a child will feel motivated or a child will feel unmotivated. इसके बाद author ने हमें बताया है यहाँ पे, ये चीज, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू 5 केसेस ऑफ ट्रू मैथमेटिक्स एक्साइटमेंट। तो ऑथर यहाँ पे 5 केसेस की बात कर रहे हैं, विच आर अबाउट द मैथमेटिकल एक्साइटमेंट। 5 केसेस कौन कौन से देखेंगे। आई थिंक ऑफ मैथमेटिक्स एक्साइटमेंट as the pinnacle of mathematics engagement. तो author का मानना ये है कि mathematics excitement means mathematics सीखने के लिए जो बच्चे के अंदर excitement है, that is the most important thing for the engagement of a child in mathematical class. These are all cases that I have personally witnessed. तो author का कहना है कि जो 5 cases की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे वो cases हैं जो author ने सुने सुनाए नहीं है, author के personal experience से वो लेके आए हैं। Witness among group of people and that have given me important insight into the nature of the teaching and tasks that bring about such a learning opportunity. तो author का कहना है कि ये जो 5 cases मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, इन cases से मुझे मैथमेटिक्स की टीचिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला और टास्क किस तरह के होने चाहिए ये मुझे बहुत कुछ पता चला। तो ये 5 टास्क जो हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ पहला टास्क डिस्कस करूंगा और आने वाले बाकी टास्क के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने देखा कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डिस्कस ईच टास्क। तो यहाँ पे टास्क नंबर 1 है, सीइंग द ओपननेस ऑफ नंबर। नंबर्स की ओपननेस मींस नंबर्स कितने फ्लेक्सिबल होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नंबर की, तो इसी तरह की बात यहाँ की जा रही है। ऑथर ये इंसिडेंट बता रहे हैं कि ये इंसिडेंट है एक कंपनी का जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया। एक मैथमेटिक्स कंपनी थी जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट क्रिएट करती थी, टीचिंग एड्स हो सकती हैं, लेसन प्लान्स हो सकते हैं और एक्टिविटीज़ प्लान करती थी। तो उन कंपनी के सीईओ ने एक बार ऑथर को इनवाइट किया बिकॉज दे वांटेड टू डिस्कस समथिंग अबाउट मैथमेटिक्स। तो वहाँ पे जो डिस्कशन था उसमें ऑथर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑथर ने यहाँ पे बताया है, जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, आई टोल्ड हिम दैट स्टूडेंट वर फेलिंग एलजेब्रा नॉट बिकॉज एलजेब्रा इज सो डिफिकल्ट। एक्चुअल में जो लोग बैठे हुए थे उस कंपनी के, उन लोगों ने अपनी ओपिनियन शेयर करी ऑथर के साथ कि जैसे ही एलजेब्रा आता है बच्चों की मैथमेटिक्स की बुक में, बच्चों का मैथमेटिक्स को लेकर के इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, बच्चे मैथमेटिक्स से नफरत शुरू कर देते हैं। यहीं पे ऑथर कहना चाहता है कि नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एलजेब्रा डिफिकल्ट है, बट बिकॉज स्टूडेंट डोंट हैव नंबर सेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे अभी भी नंबर्स के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हुए होते। वो नंबर्स उन्होंने लर्न कर लिए, उनको पता है कि नंबर्स का सीक्वेंस क्या है, बट इट डजंट मीन दैट दे आर फ्लेक्सिबल विद नंबर, विच इज अ फाउंडेशन फॉर एलजेब्रा। और जो नंबर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, यही एलजेब्रा की फाउंडेशन है। तो यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए ऑथर ने उन्हें एक टास्क दिया और वही टास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। टास्क वॉज, ऑथर सेट देम टू फाइंड 18 times 5 in different ways.
18 को 5 से मल्टीप्लाई करो अलग अलग तरीके से। तो जब वहाँ पे बैठे लोगों ने 18 को 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके उन्होंने दिमाग में सोचे, तो कुछ तरीके जो ऑथर को पसंद आए, ऑथर ने शेयर किए हमारे साथ, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। दीज वर द फ्यू वेज। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट ने क्या किया है, उसने 18 को ब्रेक कर दिया 2 नाइन्स में। सो 9 टाइम्स 5 गोना बी 45, 9 टाइम्स 5 गोना बी 45, और दिस इज हाउ वी गॉट 90। देखिए एक तरीका तो ये है कि हम 18 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। सो बट दिस वे शोज अ फ्लेक्सिबिलिटी विद नंबर। सेम वे में एक कैंडिडेट ने देखो कितना और मुझे इससे भी स्मार्ट काम लगा, उसने क्या किया, उसने यहाँ 18 से 2 को यहाँ भेज दिया 5 के पास, तो 5 बन गया 10, 5 टाइम्स 2 बिकम 10, और 18 बन गया 9, और फिर 9 और 10 को उसने ओरली मल्टीप्लाई कर लिया, दैट गोना बी 90। और अगला तरीका देखिए, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 18 को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, 9 और 9 में नहीं, 10 और 8 में। ये ब्रेकिंग तो मुझे और भी अच्छी लगी, और 10 टाइम्स 5 50, 8 टाइम्स 5 40, एंड 50 प्लस 40 बिकम 90। इसके बाद एक और तरीका देखिए, 18 में 2 प्लस करके उसको बना दिया 20, एंड वो जो 2 प्लस किए थे उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये ऐसे हमें मिल गया 90। तो ये टोटल 4 तरीके, और इसके अलावा 4 ही हैं ना, दो और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जो वहाँ पे बैठे लोगों ने ऑथर को फिर दिखाए। अब इसके बाद देखना ज़रा क्या कमाल हुआ। ऑथर ने कहा, क्या आप लोग किसी तरह से ये जो प्रोसेस आपने किया है, क्या किसी तरह से आप लोग इसको विजुअल फॉर्म में कर सकते हैं, विजुअल फॉर्म में? और देखना ज़रा ऑथर ने फिर इन्हीं मल्टीप्लीकेशंस को कैसे विजुअल फॉर्म्स में करके दिखाया। यही वो चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद आई। देखिए मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मली अ मल्टीप्लीकेशन कैन बी सीन एज, उसको हम देख सकते हैं रेक्टेंगल के एरिया की तरह। तो ऑथर ने कहा, ये जो मल्टीप्लीकेशन हम करना चाहते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया और मैंने उसकी विड्थ को ले लिया 5 और उसकी लेंथ को ले लिया 18। तो ऑथर का कहना है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और द फर्स्ट पार्ट गोना बी 9 टाइम्स 5 एंड द सेकेंड पार्ट गोना बी 9 टाइम्स 5, और दोनों को कंबाइन करके हमें एरिया मिल गया। और इसी के साथ जरा देखिए सेकेंड पार्ट का विजुलाइजेशन किस तरह से किया गया। हमने फिर से एक रेक्टेंगल बनाया, ये मेरा रेक्टेंगल था और इसकी विड्थ को मैंने 5 लिया, इसकी लेंथ को मैंने 18 लिया। अब जरा ध्यान देना, मैंने जब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, दो पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद इस पार्ट को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, इस पार्ट को मैं नीचे ले आया, और देखिए जरा क्या है आपके सामने, आपके सामने अब है 5 5 plus 5 10 10 times 9। सो दिस इज एक्चुअली दिस थिंग। तो वाओ, व्हाट अ नाइस विजुअलाइजेशन। अभी देखना जरा, ऑथर ने हर वे के साथ एक विजुअलाइजेशन ऐड कर दिया। दिस मल्टीप्लीकेशन थर्ड, तो ऑथर ने इसमें क्या किया, तो आपने जब बच्चे को बताया है कि मल्टीप्लीकेशन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसकी विड्थ है 5, उसकी लेंथ है 18, अब हमने उसको ब्रेक किया 10 में और 8 में। नाउ दिस गोना बी 5 टाइम्स 10, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 5 टाइम्स 8, एंड दैट इज वाई ये हो जाता है 50 प्लस 40। नाउ द सेकेंड, 18 टाइम्स 4 को इस तरह से चेंज किया है, तो यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, यहाँ पे जो ऑथर ने इस प्रोसेस के लिए विजुलाइजेशन ऐड किया है वो कुछ इस तरह का है। हमारे पास विड्थ है 5, लेंथ है 18, और हमने हमारे रेक्टेंगल को एक्सटेंड कर दिया, और ये हो गया टोटल 20।
और उसके बाद हमने वी जस्ट टेक अवे दिस थिंग, ये हमने टू ऐड किया था, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो देखिए ज़रा, 20 टाइम्स 5 एंड देन वी रिमूव 2 टाइम्स 5 आर। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट प्रोसेस के पास, 18 टाइम्स 5। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अगर हम इसका विजुलाइजेशन कुछ इस तरह से करें, हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी विड्थ है 5, जिसकी लेंथ है 18, और 5 इस बार हमने 18 को ब्रेक किया है 15 एंड 3 में। तो कैसा लगे आपको ये ऑथर के विजुलाइजेशन? अब मैं चाहता हूँ एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके अभी तक के प्रोसेस के बेस पे आप मुझे सोच के बताइए, आप खुद अपनी नोटबुक में करके देखिए कि फिफ्थ वाले का विजुलाइजेशन ऑथर ने कैसा किया होगा। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपका विजुलाइजेशन किस तरह का था। मैं भी आपको ऑथर ने क्या विजुलाइजेशन इस लास्ट पार्ट के लिए बताया है ये आपको यहाँ पे शो करता हूँ। 18 टाइम 5, तो ऑथर ने 5 को ब्रेक कर दिया 2, 2, 1 में। देखना जरा, ये है मेरा रेक्टेंगल, इस बार मैं थोड़ी विड्थ जो है ज्यादा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको ब्रेक करना है। दिस इज 18, दिस इज 5 एंड हमने क्या किया, ये बना दिया एक छोटा रेक्टेंगल, ये बना दिया एक और रेक्टेंगल। सो दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड लुक हियर, दिस गोना बी, ये बन जाएगा 18 टाइम्स 2, ये बन जाएगा 18 टाइम्स 2 और ये बन जाएगा 18 टाइम्स 1। और इस तरह से हमें 18 से 5 का मल्टीप्लीकेशन कितने अलग अलग तरीके से हमने देखा। सिर्फ नंबर्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हमने उन प्रेजेंटेशंस को कैसे विजुलाइजेशन में चेंज किया, कैसे विजुलाइज किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को बहुत वेज में किया जा सकता है और हर टॉपिक को एक पिक्चर के साथ एसोसिएट भी किया जा सकता है। ये करना ही तो टीचिंग प्रोफेशन का चैलेंज है। जब हम लोग ये करने लगेंगे तभी हम रियल में टीचर होंगे और तभी एक टीचर के एफर्ट्स को कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज जो बुक में लिखा है वही अगर हम पढ़ाते चले गए तो 21वीं सदी ऐसे बच्चों की नहीं है जो इस तरह का मैथ पढ़ना चाहेंगे। तो फिर मिलता हूं मैं आपके साथ केस नंबर 2 के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगे आपको ये केस नंबर 1। इसी बेस पे मैं केस नंबर 2, देखिए आप लोगों के कमेंट्स ही हैं जो मुझे एनर्जी देते हैं, जो मुझे मोटिवेशन देते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट केसेस में और ज्यादा एनर्जी डालने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।